भारत ने बुधवार को इतिहास रच दिया। सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई, जिसके बाद भारत माता की जय से अंतरिक्ष भी गूंज उठा। ऐसा करते ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतरने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। चांद का यह हिस्सा डार्क साइड के नाम से जाना जाता है, इसलिए आज तक कोई भी देश यहां पर उतर नहीं पाया है। लेकिन इन सब के बीच रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम को खतरा भी फेस करना पड़ेगा। जी हां, क्या आपको पता है कि रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम चांद पर नष्ट हो सकते हैं? इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करें अभी की स्थिति की। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने गुरुवार को बताया कि चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान दोनों अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस मून मिशन में आने वाली आगे की चुनौतियों को लेकर भी आगाह किया है। खबरों के मुताबिक चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान दोनों पूरी तरह से ठीक हैं और सब कुछ बहुत अच्छे से काम कर रहा है, शेड्यूल के हिसाब से काम कर रहा है। आगे भी कई तरह की मूवमेंट होनी है। चूंकि चांद पर वायुमंडल मौजूद नहीं है, ऐसे में कोई भी वस्तु चंद्रयान 3 को हिट कर सकती है यानी टक्कर मार सकती है। इसके अलावा थर्मल प्रॉब्लम और कम्युनिकेशन ब्लैकआउट की समस्या भी आ सकती है। अब अगर बात करें लैंडर और प्रज्ञान के पूरी तरह से नष्ट होने की, तो इसरो चीफ एस सोमनाथ ने आगे कहा है कि अगर कोई क्षुद्र ग्रह या कोई और अन्य वस्तु बहुत तेज गति से चंद्रयान 3 से टकराती है तो लैंडर और रोवर दोनों पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। चंद्रमा की सतह को गौर से अगर देखें तो सतह अंतरिक्ष पिंडों की निशानों से भरा पड़ा है। पृथ्वी पर भी हर घंटे लाखों अंतरिक्ष पिंड आते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि पृथ्वी पर वायुमंडल है और हमारा वायुमंडल उन सभी पिंडों को जला देता है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने भारतीय समय अनुसार शाम 6:04 पर दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। इसरो के अनुसार लैंडर से रोवर प्रज्ञान नीचे उतर गया और चंद्रमा की सतह पर चक्कर लगाने लगा। चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग पर इसरो चीफ का कहना था कि यह सिर्फ इसरो के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। हर दूसरे भारतीय की तरह हमें भी इस बात पर गर्व है कि इस बार हमारी लैंडिंग सफल रही। हमने इतने सालों तक जो मेहनत की थी उसका परिणाम मिल गया। आगे हम और ज्यादा चुनौतीपूर्ण मिशन करने के लिए तैयार हैं। उनका कहना था कि इसरो में हम कहते हैं कि अच्छे परिणाम का फल और अधिक मेहनत है। मुझे लगता है यही बात हमसे हर किसी को उत्साहित करेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषय पर खबर उपलब्ध है। और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।